इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बर्ट टिक्का चौक के समक्ष, जहाँ पे CPIM के लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। वहीं इन लोगों का विरोध है कि सदर अस्पताल में भारी बढ़ोतरी फीस को लेकर के जो है यहाँ पे लोग उतर चुके हैं, और इनका कहना है कि ये फीस में जो इतनी बढ़ोतरी हुई है वो नहीं होना चाहिए। लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। भारी फीस में बढ़ोतरी हुई है, सारे गरीब लोग जो थे वहीं पर जाते थे, हालाँकि रिम्स जो है काफ़ी दूर हो जाता था, तो लोग अधिकतर यहीं आया करते थे। ये रांची सदर अस्पताल के संचालन समिति ने तमाम तरह के जांच के तमाम तरह के शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है, और इसीलिए हम लोग CPIM की ओर से इसका विरोध करने के लिए और ये बढ़ोई हुई फीस को वापस लेने के लिए हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही हमारी ये मांग है कि ये बढ़ी हुई फीस तो वापस ली ही जाए, हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि सदर अस्पताल में तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएं, ऐसे बहुत सी स्थिति अच्छी हुई है, हम लोग और बेहतर सुविधा देने की मांग करते हैं, क्योंकि ये कोरोना काल में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था ही जनता को सहारा दी थी। और हम लोग ये भी मांग करते हैं कि मोदी सरकार 11,000,00,000 करोड़ रुपये पूंजीपतियों को हर वर्ष छूट देती है, तो हम चाहेंगे कि रांची सदर अस्पताल जैसे जो बुनियादी चिकित्सा संस्थान है हमारे देश में, हमारे राज्य में, उनको तमाम तरह की सुविधा दे, ना कि जनता पर फीस बढ़ा करके उसका बोझ जनता पर डाले। पहले जो थी फीस सर, वो कितनी थी और आपकी फीस में कितने बढ़ोतरी हुई है? ये फीस अलग अलग चीज़ का अलग अलग ये है, मूल बात ये है कि जो भी फीस थी, जो भी जाँच का शुल्क था, वो 2 गुना बढ़ोतरी कर दिया गया है, और इससे जनता पर, विशेषकर गरीब जनता पर भारी बोझ बढ़ेगा। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके घर से जो महिलाएं आती थी जांच करवाने, तो कैसा रहता था? अब जो है फीस में बढ़ोतरी आ गई, तो गरीब लोग को पैर किस तरह का उतरेगा, क्या कुछ लगेगा गरीबों पे? देखिए, अभी तो ये जो फीस बढ़ोतरी में सबसे ज़्यादा तो गरीबों के पे ही उसका बोझ पड़ेगा, क्योंकि गरीब से गरीब जो जनता थे वो सदर अस्पताल में पिछले दिनों आकर अपना इलाज करा के जाते थे, लेकिन अभी जो जांच के नाम पे जो महंगा किया गया है 3 गुना, अगर मान लीजिए महंगा, अगर 100 रुपया है तो उसको 300 रुपया देना होगा, तो 300 रुपया जो डेली कमाने वाला, जो रिक्शा चलाने वाला है, वो डेली 300-400 रुपया कमा के जाता है, और इसमें उसको बड़ा दिक्कत होगी। तो ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से, कि ये सरकार का एकलौता ऐसा हॉस्पिटल हमारा शहर के अंदर में जो गरीब का इलाज होता है, यहाँ और भी हॉस्पिटल हैं प्राइवेट है, लेकिन वहाँ जाने लायक यहाँ का लोग नहीं है, तो हम जहाँ हमारा ज़्यादा लोग जहाँ इलाज होता है वहाँ सरकार को तो और यहाँ सस्ता करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो CPC है, यहाँ का संचालन समिति का चेयरमैन है, वो भी जनता का प्रतिनिधि है, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप गरीब जनता का प्रतिनिधि हैं तो आप जो फीस वृद्धि है उसके ऊपर में भी आपको ध्यान देना है, और गरीब को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा राहत हो उसमें उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन फीस वृद्धि करने से क्या होगा कि सीधे गरीब पे पड़ेगा, और इसका लाभ आने वाला दिन में जो प्राइवेट जो संस्था है, हॉस्पिटल है, वो लेगा, क्योंकि ये लोग अगर फीस वृद्धि होगा तो क्यों आ जाएंगे, आप प्राइवेट में जाएंगे, और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल का जितना इकाई होता है हर एक वार्ड में, वहाँ भी इसका लागू हो, और एक जगह कल सदर अस्पताल नहीं, अगर यहाँ हो गया तो बाकी जगह में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि CPIM के लोग जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन पर उतर चुके हैं, और उनका कहना है कि फीस में जो वृद्धि हुई है उसे सरकार जो है कम करे, अन्यथा इसका लाभ जो है और जो प्राइवेट अस्पताल है वो उठाना शुरू कर देंगे। हालांकि गरीबों का एक ही सहारा है ये सदर अस्पताल, लेकिन कहीं ना कहीं फीस वृद्धि को लेकर के जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशानियां इन पे देखी जा रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।